हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, रूट का गुना, रूट का भाग और रूट का घटाव निकालने सीखने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो सके। आज हम लोग रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग निकालने सीखने वाले हैं, बिल्कुल आराम से आसान भाषा में। देखिए, पहले हम लोग रूट का जोड़ निकालने सीखते हैं। देखिए क्या करना, देखिए तीन तरह का दिया हुआ है। रूट के अंदर दो है प्लस रूट के अंदर दो है, बराबर क्या होगा बताना, ठीक है। देखिए, जब भी आपको रूट सेम हो, रूट के अंदर सेम है ना, रूट के अंदर दो है, रूट के अंदर दो है, जब भी आपका रूट के अंदर सेम हो, देखिए अब बाहर में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। कोई दिक्कत, बाहर में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो पहले बाहर का काम कर लीजिए, फिर अंदर का काम कर लीजिएगा। एक और जोड़ एक कितना हो जाएगा, दो। एक और एक हो जाएगा दो, और रूट के अंदर तो सेम है तो रूट दो और रूट दो, रूट दो हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर से समझिए। यदि रूट के अंदर सेम रहे, यहाँ भी रूट के अंदर दो है, यहाँ भी रूट के अंदर दो है, बाहर कुछ नहीं है तो क्या, एक है दोनों जगह, तो एक और एक कितना हो गया, दो। और रूट के अंदर, चूँकि रूट के अंदर दोनों जगह सेम है, इसलिए रूट दो का रूट दो हो गया। आप रूट दो और रूट दो को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, टू रूट टू, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ भी रूट के अंदर थ्री है, रूट के अंदर थ्री है, रूट के अंदर सेम है। तो पहले बोले बाहर का काम कीजिए, फिर अंदर का काम कीजिएगा। रूट के बाहर है यहाँ तीन, रूट के बाहर है यहाँ दो, दोनों जगह चूँकि सेम है रूट के अंदर, तो तीन और दो कितना हो जाएगा, पाँच। और रूट के अंदर सेम है तो वही लिखा जाएगा, पाँच रूट थ्री, ठीक है। कोई दिक्कत, अब चलिए यहाँ, यहाँ तो हम लोग दोनों जगह देखे, जब रूट के अंदर सेम चीज़ दिया हुआ रहे तब क्या करेंगे, दो सीख लिए हम यू टू ये सब कि रूट के अंदर सेम रहे तो क्या करेंगे। अब रूट के अंदर अलग रहे तो क्या करना है, देखिए यहाँ रूट के अंदर छः है, रूट के अंदर पाँच है, तो यदि रूट के अंदर अलग रहे ना तो इसको आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। यदि रूट के अंदर अलग अलग रहे तो इसको आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते, ये सेम का सेम रह जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये सेम उतर जाएगा। समझ में आया क्या, जब रूट के अंदर सेम रहे तब आप कैसे निकालेंगे हम आपको बता दिए, लेकिन यदि रूट के अंदर अलग रहे तो आप इसको जोड़ और घटाव नहीं कर सकते, सेम का सेम आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझे आप कि रूट का जोड़ कैसे निकाला जाता है। अब रूट का घटाव देखिए, इसमें भी वही, यदि रूट के अंदर सेम चीज़ हो, यदि रूट के अंदर सेम चीज़ हो, अब बाहर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एक है, और घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। तो एक और एक, एक में एक जाएगा कितना हो जाएगा, ज़ीरो। गुना रूट थ्री, और रूट थ्री है तो क्या हो जाएगा, एक रूट थ्री। अब ज़ीरो को किसी के साथ में गुना कीजिए, कितना होगा, ज़ीरो। मतलब क्या समझे कि रूट में यदि दोनों जगह सेम रहे और घटाव रहे तो वो ज़ीरो ऐसे भी आता है, रूट थ्री माइनस रूट थ्री ज़ीरो होने वाला है, ज़ीरो हो गया। अब यहाँ भी रूट के अंदर सेम है, रूट फाइव है, रूट फाइव है, यहाँ रूट के बाहर में तीन है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अब चूँकि दोनों जगह रूट के अंदर सेम है तो घट जाएगा आराम से, तीन में एक घटे कितना हो जाएगा, दो। और रूट फाइव है दोनों जगह सेम, तो रूट फाइव का रूट फाइव, चूँकि दोनों जगह सेम था तो देखिए दोनों जगह सेम था, एक और एक घट गया ज़ीरो हो गया, और तीन यहाँ कुछ नहीं था रूट के बाहर तो एक था, तो तीन में एक गया दो, दोनों जगह रूट सेम है तो रूट फाइव का रूट फाइव, दो रूट फाइव हो गया। अब यहाँ देखिए, ये दोनों में हम लोग सीखे, जब दोनों जगह रूट के अंदर सेम चीज़ था तब क्या हुआ, यहाँ पर रूट के अंदर अलग अलग है, यहाँ रूट के अंदर फाइव है, यहाँ रूट के अंदर सेवन है, बाहर में दो है तीन है। हम आपको यहाँ से ही बताएं, अभी जस्ट बताएं कि रूट के अंदर यदि अलग अलग रहे, रूट के अंदर यदि अलग अलग रहे तो आप इसको जोड़ और घटाव नहीं कर सकते, ये सेम का सेम आंसर उतर जाएगा। यदि रूट के अंदर अलग है तो आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, सेम का सेम आंसर उतर जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको रूट का घटाव, इम्पोर्टेंट है रूट का गुना और रूट का भाग। देखिए रूट का गुना हम लोग सीखते हैं, यहाँ भी देखिए रूट के अंदर देखिए सेम सेम चीज़ है, ठीक है, रूट के अंदर सेम है, रूट थ्री है, रूट थ्री है, बाहर दो है, तीन है। बाहर वाला का पहले काम करना चाहिए, दोनों जगह सीखे हम लोग, दो और तीन को गुना कीजिए, तीन दोना छः,
और रूट थ्री और रूट थ्री को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा पता है आपको? थ्री। कैसे होगा अभी बताएंगे। दोनों जगह रूट के अंदर सेम था, बाहर में दो है बाहर में तीन है, दो तीन छः, और रूट थ्री और रूट थ्री को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। छः तीन कितना हो जाएगा? अट्ठारह। देखिए सीखिए कि रूट थ्री गुना रूट थ्री थ्री कैसे हुआ, यहीं पर सिखाते हैं। रूट थ्री का मतलब क्या समझे आप? तीन पे पावर वन बटे दो, कोई दिक्कत? गुने एक रूट थ्री का मतलब हुआ तीन के पावर वन बटे दो, माने इस रूट थ्री का मतलब हो गया तीन पावर वन बटे दो। अब गुना है फिर तीन रूट थ्री है, तो रूट थ्री का मतलब क्या होता है? तीन पे पावर वन बटे दो। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते होंगे बेस समान रहे तो पावर जुटता है, बेस समान रहे तो पावर जुटता है, तीन तीन बेस समान है तो तीन पावर जुटेगा, एक बटे दो प्लस एक बटे दो, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं तीन के पावर अब वन बटे दो है प्लस वन बटे दो है, तो दो और दो का एलसीएम दो और वन दो, तो दो बटे दो तीन के पावर दो बटे दो, तो दो बटे दो कट जाएगा, तीन के पावर बचेगा एक, तो तीन के पावर एक क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। इसी कंडीशन से होता है कि रूट थ्री गुना रूट थ्री क्या हुआ? थ्री। रूट कोई भी दो दो जगह रूट के अंदर सेम रहे, जैसे रूट फाइव गुना रूट फाइव फाइव, रूट एट गुना रूट एट एट, रूट टू गुना रूट टू टू, मतलब दो को रूट रूट थ्री गुना रूट थ्री थ्री, इस तरह से होता है। ठीक है, समझ गए आराम से आप लोग कैसे होता है बता दें। यहाँ पर देखिए रूट फाइव है, रूट फाइव है दोनों का सेम है, बाहर में कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पर बाहर तीन है, तीन और एक को गुना कीजिए, तीन एकम तीन। आप सीखे को सिखाया आपको हम कि रूट फाइव गुना रूट फाइव क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा, और तीन गुना पाँच क्या हो जाएगा? तीन पचे पंद्रह, कोई दिक्कत? इसमें देखिए अब यहाँ पे रूट के अंदर तीन है, इसके यहाँ पे रूट के अंदर दो है, अलग अलग है, तो बाहर क्या है? पाँच और छः, छः और पाँच गुना कीजिए कितना हो? छः पंचे तीस हो जाएगा, और रूट थ्री और रूट टू को गुना कीजिए क्या होगा? तो दोनों गुना हो जाएगा, रूट थ्री और रूट टू को गुना कीजिए, रूट थ्री रूट टू को क्या हो जाएगा? रूट सिक्स, तीन दूना छः हो जाएगा रूट सिक्स, तो पाँच छः के तीस, और रूट थ्री या रूट टू गुना कीजिएगा तो रूट सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? तीस रूट सिक्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए रूट का भाग कैसे होता है। रूट थ्री भागा रूट थ्री है, तो भाग का मतलब क्या हुआ? बटे, ऐसे लिखिएगा रूट थ्री बटे रूट थ्री, तो सेम चीज़ है भाग में, तो ऊपर नीचे तो सेम है, कट जाएगा क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। रूट थ्री भागा रूट थ्री क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ थ्री रूट फाइव है, थ्री रूट फाइव बटे भागा है रूट फाइव, अब रूट फाइव और रूट फाइव तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? थ्री का थ्री बच जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है? फाइव रूट सिक्स, फाइव रूट सिक्स बटे में क्या है? टू रूट थ्री भागा में, तो टू रूट थ्री। ठीक है, अब देखिए रूट थ्री या रूट सिक्स है तो कैसे कटेगा? तीन दूना छः कट जाएगा आराम से। ठीक है, दोनों जगह चूंकि रूट रूट था तो रूट सिक्स और रूट थ्री को काटिए कैसे? रूट थ्री तीन दूना छः, रूट थ्री दो बार में रूट छः को काट देगा, और दो से दो कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? पाँच बच जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से रूट का जोड़ घटाव गुना और भाग समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।